ये आपके 1 जनवरी के हैं जो बच गए थे आपके 1 जनवरी के, उसके बाद 2 से लेके 13 के मैंने करवा दिए थे, 2 से लेके 14 तक के, उसके बाद के मैं सारे करवा रहा हूँ। यह आज एक वाला है आपका। देखिए, हाल ही में सीआरपीएफ प्रमुख का अधिकृत बाहर किसे दिया गया है? तो एसएस देसवाल को दिया गया है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया युवा खेलों की मशाल रैली की शुरुआत की है? सर्बानंद सोनोवाल। इसका आंसर हो गया, पहला है आपका, सीआरपी प्रमुख का अधिभार किसे दिया गया है? सीआरपीएफ प्रमुख का, एसएस देसवाल को। और किसे खेलो इंडिया युवा खेलों की मशाल रैली की शुरुआत की है हाल ही में? किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। उसके बाद देखिए तीसरा, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। आगे फोर्थ देखेगा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बड़ा है? वैसे तो वन सबसे ज़्यादा किस में है? आपके मध्य प्रदेश में। और सबसे कम किस में है? आपके हरियाणा में सबसे कम है। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बड़ा है क्षेत्र, तो कर्नाटक इसका आंसर हो गया। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है आपका ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड दी, तो इसका आंसर ये आपका नलिन मेहता और बोरिया मजमूदार। तो ये दोनों ने लिखा है, नलिन मेहता और बोरिया मजमूदार ने। ठीक है, इसमें ओलंपिक गेम्स जो आपके नेक्स्ट 2020 आपके हो रहे हैं जापान में, ठीक है, टोक्यो में, तो इसमें मतलब बुक्स में सारा ओलंपिक गेम्स में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो उससे रिलेटेड सारा कुछ इसमें लिखा है। सिक्स देखेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा? 2026 तक। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ इनमें से किसने ली? अजीत पवार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ओडिशा में। धानु यात्रा महोत्सव का जो शुभारंभ है वो कहाँ हुआ है? असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की है। यह योजना किससे संबंधित है? तो यह जो योजना है वो शिक्षा सब्सिडी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में FICCI की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई है? संगीता रेड्डी। और यह है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा जल साथी कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आंसर है आपका ओडिशा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी भी देख लेते हैं। आगे 15 तारीख का देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022, ये कल मैंने आपको बताया था कहाँ पे हो रहा है, बीजिंग में हो रहा है। विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र 2019 का कौन सा देश है? शूटिंग राष्ट्र, ठीक है, शूटिंग नेशन कौन सा है नंबर 1 विश्व का? तो यह है भारत। पोली उमरीगर पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद देखिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित है? अबू धाबी में है ये। जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो गया बिहार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है असम। दिल्ली के लेखक कौन है? दिल्ली के लेखक हैं आपके खुशवंत सिंह। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में। उसके बाद देखिए, टैस्मेनिया द्वीप किस देश में है? तो टैस्मेनिया द्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। दाब की SI इकाई क्या है? सभी को पता है आपका पास्कल है। और आपका कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है चाइटिन, ठीक है, चाइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? मेड अप ऑफ काइटिन। 16 जनवरी के देख लीजिए, हाल ही में सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला कहाँ पर आरंभ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? एम एस स्वामीनाथन को। गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजू टेंट जो थी कौन थी? तो ये थी तानिया शेरगिल। गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजूटेंट कौन थी? हाल ही में स्वच्छ दर्पण पुरस्कार
2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरी को किया गया है। हाल ही में लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार का निधन हुआ है। इसका नाम क्या था? मनमोहन महापात्रा। सीआरपीएफ के नए प्रमुख जो है वो कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। कौन है? आनंद कुमार, सॉरी आनंद प्रकाश महेश्वरी। आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड में किसे सम्मानित जो है वो किया जाएगा? हाल ही में आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड तो ये सम्मानित किया जाएगा आपका विराट कोहली के द्वारा, ठीक है। और ये जसप्रीत बुमराह है, इसको पोलिंगबर अवार्ड जो है वो से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका है नई दिल्ली। और ये है आपका बीसीसीआई के पोली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जसप्रीत बुमराह को। और उसके बाद देखिए, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे चुना गया है? इसका आंसर है आपका माइकल देवव्रत को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।